वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सियासत मनाए। हम आज मेहमान हैं शाही सैयद साहब के मैदान हाउस पे, जो उनका जाती घर है। ये हमने क्लैरिफाई किया आधे घंटे में। अब अगले आधे घंटे में कराची की सूरत हाल के बारे में जो बात हो चुकी है, उसी के ऊपर अगर बात करें। शाही साहब, आप समझते हैं अगर दयानतदारी से पुलिस वाले काम करें वो भी ठीक कर सकते हैं, दयानतदारी से रेंजर्स काम करें वो भी ठीक कर सकते हैं, फौज को क्यों बुलाते हैं? कुछ इसे कि जो पुलिस का मोराल डाउन हुआ है किसी वजह से, वो सारी दुनिया से छुपी हुई नहीं है, इसीलिए रेंजर्स को एहतियार नहीं है। और हर महीने में बार बार एहतियार दे दिया ले लिया दे दिया ले लिया। आप खुद भी सुन रहे हो, लोग पागल लोग, भाई रोजाने की क्या देने, भाई एक मतलब एहतियार दे दो। दूसरी, मैं तो ये समझता हूँ कि एहतियार देने की क्या सियासतदान इसको एहतियार है, पुलिस को तो बेसिक एहतियार है। जो कोई कत्ल करेगा तो क्या पुलिस को एहतियार नहीं है कि पकड़ ले, या जो रेंजर्स को एहतियार नहीं पकड़ ले, इसमें एहतियार लेने की क्या जरूरत है? उनकी ड्यूटी जिसमें उन्होंने वर्दी पहनी हो, पाकिस्तान में नौकरी जो उसने ज्वाइन करनी थी, हलप उठा लिया कि भाई मैं पाकिस्तान के रहकर काम करूँगा, इन कानून पर चलूंगा, तो उसको इजाज़त लेने की जरूरत क्या है? उनकी तो ड्यूटी है। तो आपके ख्याल में ये ड्यूटी क्यों नहीं करते? तो ये मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो उनकी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है। अगर नहीं करते उसकी कोता है, उनके खिलाफ तो उनकी सजाएं होना चाहिए, उनके सस्पेंड होना चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं करते। उसमें इजाज़त लेने की, एक जगह मंशियात बिक रहे हैं तो क्या इसके लिए सियासतदान या पार्टी या पीपल पार्टी या ANP कोई पार्टी इजाज़त देकर पकड़ लो? ज्यादा लेना पड़ता है, लगता तो ऐसे ही सर। ये मिकासा अपार्टमेंट्स के अंदर क्यों नहीं होता ऑपरेशन? तो भाई बात सुनो, ये एक से बढ़ के एक आपका बदमाश वहाँ पे, जो अपने आप को आपका बच्चा कहता है, आप उसे कहते हैं कि ये अभी तो है। देखो मुबारक हो, अभी कल परसों रात निकासा में बंदे PSF के जो बच्चे हो पकड़े हुए जी, उससे आप बरामद करो कि वहाँ अगर उठाचर से ले कोई असला पकड़ लिया, कुछ चीज़ पकड़ लिया। सर आपका नाम तो चलता है ना शाही साहब, अगर मैं MQM का ज्वाइन कर लूँ, अगर मैं ANP ज्वाइन कर लूँ, तो मैं आपका नाम इस्तेमाल करके अपनी दुकान तो चलाऊंगा ना सर, आप लोग तो तनख्वाह देते नहीं है। देखो बात सुनो, ना हम तनख्वाह देते ना हमारा नाम बिकेगा अगर पुलिस पुलिस हो जाए। अगर कहीं भी वो जुर्म कर रहा है, कोई पार्टी वाले उसके लिए फोर्स करे सोर्स करे, अभी भी अगर मैंने किसी को फोन किया यार तुमने क्यों निकासा पे किया, आपने देखा पूरा कराया, आपने जिसका नाम लिया निकासा का, तो ऑपरेशन परसों रात को हुआ ना जी, तो अभी और भी करवा के दे। मगर मुझे खुशी हुई कि मेरे पास, क्योंकि जो जो तस्वर दिया जाए कटी पहाड़ी, कटी पहाड़ी में जितने लोग गरीब रहते हैं, आप खुद कटी पहाड़ी गए हो, वहाँ तो गरीब, वहाँ तो 40-50 मकान है। अमीर कौन लड़ता है, गरीबी तो लड़ते हैं, अमीर कौन लड़ता है, कौन अमीर पाकिस्तान में लड़ता है? मशहूर तो कटी पहाड़ी है, कटी पहाड़ी, कटी पहाड़ी, कटी पहाड़ी इसलिए मशहूर है सर, इसलिए वहाँ पे पठान गरीब भी है और महाजिर गरीब भी है, वहाँ की गलती है। मैं यही बोलता हूँ कि और एक और गलती है कि मुस्तफा कमाल साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिवली उस पहाड़ को काट दिया, तो वो जो जोड़ था वो फिर जरा आसान हो गया। ये गलतियां हैं वहाँ पे कि गरीब रहते हैं और आपस में घुलना मिलना जो है वो जरा आसान है, और नफरतें जो है वो उसकी इस्तेमाल आप भी करते हैं, MQM भी करती है, और ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब भी सूप इन करते हुए कह के चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकल इस शहर में नाइंसाफियाँ हुई है, प्रैक्टिकल यह शहर में जो बदमाश थे वो दंदनाते फिर रहे हैं, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, इसी सिलसिले को कंटिन्यू कई सालों से चल रहा है। आपने उस लोगों को जिनको जेल में जाना था आपने उनको पैरोल पर रहा कर दिया, वो लोग जो जुर्म करते थे आपने उसको मनस्टियाँ दी, वो लोग जो गलत काम कर रहे थे आपने उनको बहादुर का लकब दिया, उनको आपने हुकूमत में शामिल कर दिया। तो जब लोगों ने देखा और कि भाई ये तो बदमाश है, तो क्राइम बेस, तो आपने क्राइम को पहले दिन से कंट्रोल करते। सही है, एक बंदे को सजा हो गई 5 की। सही, तो उसने बोला तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उसने बोला मेरी ख्वाहिश है कि मेरी माँ मेरे पास आ जाए, तो उसने माँ बुलाया, माँ से बोला कि भाई जुबान निकाल, तो जब उसने जुबान निकाल तो वो कैदी जो जिस बच्चे को हुआ था सजा, उसने माँ की जुबान खींची, उसने भाई क्यों किया? बोला इसलिए कि इस माँ से जब इसमें मैंने अंडा चोरी किया था मोहल्ले में, अगर ये माँ मुझे मना करती इस जुबान से तो शायद मैं आज डाकू नहीं बनता। आप इन बच्चों को मना करते हैं? 100% मना करते हैं, लेकिन ये मना करना मेरा नहीं। किस तरह मना करते हैं कि आज नहीं करो कल कर लेना? यही तो आपकी गलतफहमी है ना कि जो जगह ये सब मुंह से नहीं होता है, इनके लिए अरेस्ट होना चाहिए, इनके हालात तो आप करवाए ना, आपके अपने लोग हैं, आप तो बच्चा कहते हैं अपने आप। यार बात सुनो, यही तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है ना कि जो एक जिन भूत था किसी के पास है, तो जब उसका मुरीद बन गया तो उसने बोला भाई जाओ ये कसाब को पकड़ के जाओ, तो जाके सब्जी वाले को पकड़ के लाता था, तो उसने बोला भाई तुम्हें मैं कसाब बोल रहा हूँ, उसने बोला उसके हाथ में ठोका है, तो मुझे भेज रहे हो तो पुलिस को क्यों नहीं भेजते हो? आप अपने कारकुनान के हाथों ये रकम ले, मैं बात सुनो उनके हाथ में कुल्हाड़ा, मुझे तो ये भी आपकी बातों में अफसोस है कि जब मैंने आपको सिंपल बता दिया, सिंपल कि एक वक्त में मैंने पुलिस वाले ने मेरी बात उनको सुनाई, सही, तो क्या मैं अफलातून हूँ? मेरे पास फोर्स है, क्या वो बदमाश मुझे नहीं मार सकता? सही, बिल्कुल मार सकता, तो मैं अपने जान पे खेलूं? तो आप लोग अपने कारकुनान के हाथों यरगमाल हैं, आप भी, MQM भी, PPP भी, सब। देखो भाई यरगमाल नहीं है, हमें यरगमाल अगर पुलिस अपना रोल अदा करे। 6,000 पुलिस वाले एक ड्यूटी करते हैं, जो सहरी के वक्त से शुरू करते हैं वो इफ्तार के लिए पैसे कमाते हैं, जो इफ्तार से काम शुरू करते हैं वो सहरी के लिए चंदा जमा करते हैं, चंदा भत्ता। इन 6,000 से आप
तसव्वुर करते हैं कि वो 4 लाख रुपए वाली बंदूकों वाले और सारी सियासी जमातें और सारी माफिया से वो लड़े। दुनिया में कहीं पर भी पब्लिक आकर के लोगों को पकड़ पकड़ के जाके जेल में नहीं, दुनिया में कहीं पर भी 50 आदमी हर शहर में रोजाना गिरना फ्रंट हेडलाइन बन के गायब हो जाना नहीं होता। तो दुनिया की बात छोड़ दो, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की होती है। मुशर्रफ के दौर में वक्त आपके ख्याल में जवाबदार था, मौजूदा वक्त में हुकूमत वक्त रहमान मलिक अपना मंजूर वसान दोनों भी कहते हैं नहीं, वो पहले था, अब नहीं है। वो जवाब देते जिस दिन आपके पास आए थे वो, और उन्होंने बयान दिया था वो उसकी गलती थी। अच्छा आपके मेहमान थे, बिल्कुल मेरे मेहमान तो आप भी हो, अब क्या क्या बोल रहे हो। नहीं लेकिन मैं मतलब शुरू हो जाओ करो देखो मैंने क्या कहा, उनके मुंह पे हाथ थोड़ी रखूंगा, शुरू हो जा कर बिस्मिल्लाह। ज़ुल्फ़िकार के पीछे बोल, नहीं नहीं मैंने ज़ुल्फ़िकार दाढ़ी वाला है, ज़ुल्फ़िकार जज्बाती है, ज़ुल्फ़िकार गंदा है, ज़ुल्फ़िकार शुरू कर चल, क्यों शुरू करो चल भाई तुम मेहमान हो करो। वो खाने के बाद किया था ना तो तुम पीने के बाद करो ना। मंजूर वसान साहब आपके ख्याल में ये ख्वाब देख के और तावीज़ बांट के कराची के सूरत हाल को सही कर सकते हैं? करीब ही रहते हैं वैसे। ये वजारत ऐसी बुरी चीज़ है, वजारत से पहले बड़ा अच्छा था, हमारा पड़ोसी जुम्मे को हम मिलते थे, जैसे वजारत मिला तो ख्वाबें भी आना शुरू हुई। अब मैंने उसको बोला कि ये कराची की मीडिया और ये कराची वाले इतने अच्छे नहीं, तो खुदा के वास्ते ये बातें बंद कर ना कर। लेकिन उसको बोला नहीं मेरे ख्वाब देखा है शाह जी, तो अब वो ख्वाब ख्वाब हो गए, अब उसके लिए वो रोज़ाना मिसालें बनती है। तो लिहाजा आप लोग जो ख्वाब देखते हैं वो कहते हैं कि एक अभी ख्वाब नहीं देखा उन्होंने, वो हर 3 दिन बाद तो ख्वाब देखते हैं। अच्छा चलो पहले बोलता कहना मैं साल में देखता हूँ, कभी मैं 15 महीने में। अब वो कई लोग बोलते हैं कि यार ये तो सोया रहता है तो काम कब करेगा। तो बहरहाल सियासतदान को थोड़ा एहतियात से चलना चाहिए। अगर कैमरे फेटे, कैमरा लगा हुआ है आपका, फौज यस फौज आएगी तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो बिरयानी निहारियाँ खाने नहीं आएगी, वो अदालतें लगाने आएगी, ना सिंध कार्ड बचेगा, ना पश्तून कार्ड बचेगा, ना महाजर कार्ड बचेगा, तबाही हो जाएगी। आपके ख्याल में फिर भी आप फौज को बुलाते हैं? बात सुनो, आप लोगों की सियासत की तबाही हो जाएगी। नहीं बस सुनो सुनो, शेख रशीद साहब की अपनी सोच है, वो पार्टी के बड़े, वो जो बोलते हैं वो, मेरी जो सोच है सेम लाइक स्वात और बुनियर में फौज आई सूबाई। लेकिन सर स्वात के लोग फौज से तंग हैं। सुनो सूबाई हुकूमत ने सारी पार्टियों को बुलाया और हल बताया कि इसका हल क्या है, सबने बोला फौज बुलाया जाए। इसी तरीके से हम तो चले गए यहाँ पे APC करें, ऑल पार्टी कांग्रेस बुलाए, सारी पार्टियों को बुलाए, अगर सब पार्टी फौज को तरजीह देता है तो फौज बुलाई जाए। फौज है इसके कि सूबाई हुकूमत मरकज़ को बोले, मरकज को करे आ जाए, महीना दो महीने अदालत लगे, ताकि वो जो चीज़ें आप लोग जैसे इल्ज़ाम लगाते हैं बंदूकें बहुत है, असला बहुत है, मनशियात बहुत है, पुलिस की कमजोरी है, ये सब चीज़ें ये है तो हकीकत है, कुछ झूठ तो नहीं, लाशें तो पड़ी है ना बोरे में, तो लाशें मिल रही है। तो लिहाजा ये क्लियर अगर हो जाए और 2 महीने बाद आपको रिजल्ट आ जाए कि कौन था, तो मेरी तो कम अज़ कम ये मेरे लिए तो ये खुशी की बात होगी इंशाल्लाह कि जिस दिन ये चीज़ें निकल आए सामने। मैं एक सवाल पूछूँ? पूछो, अभी तक तुम सवाल ही पूछ रहे थे। ये फौज के हवाले से कि मैं अगर कहूँ कि आप सब मिलके फौज को इसलिए बुला रहे हैं इसलिए आप सबके पास बदमाश हैं और सब आपके काबू से बाहर हो गए हैं, अब आप लोग अपने लोगों से डरे हुए हैं, तो ये बात सही होगी कि अब फौज आ जाए जी ये रेस कर दे ज़रा वापस से शुरू करते हैं, फिर पहले छुरियों से शुरू करेंगे, फिर वापस टीटियों पे आएंगे, फिर ज़रा गटर के ढकनों के साथ लड़ा करेंगे, फिर सोचेंगे गोलियां मारना, वापस से शुरू कर लेते हैं 60 की दिहाई की सियासत, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, रीसेट दबा देते हैं, इसलिए फ़ौज आ रही है? नहीं ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच में होता है, आपकी सोच में कोई वो है जरासीम होगा वायरस आगे होगा, आप जैसा सोचोगे ऐसा वायरस वाला सोच नहीं रखो ना। अगर पुलिस भी फौज को नहीं रखो, फौज हमारे फौज बॉर्डर पे हमारा बहुत काम है, इस पुलिस को ऑपरेशन करो, इस पुलिस में पहले काली बीड़े हैं, सियासी बुनियादी पोस्टिंग ख़त्म करो, पार्टियों के जो लेबल जैसे पहला उसको हटाओ, इंटीग्रेशन भेज दो, ऐसे बंदे बुलाओ। इंटीग्रेशन का क्या कसूर? सुनो मतलब वो बंदा ले आओ जो इन चीज़ों में मुलवस नहीं है। अगर आप बोले मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग बोले यार ये कर, आप कातिल से पूछते हो, जो कातिल करने वाला जो बदमाशी करने वाला वो अमन कैसे लाएगा, जब आप खुद बोलते पुलिस इसमें इन्वाल है, बता देते पैसे लेते ये सारी चीज़ें करते हैं, वो कैसे इसको सही करेगा? लेकिन जब फिर आपको इज्जत करो नहीं फौज नहीं तो चलो नहीं हो, पुलिस को करो ना, इसके मोराल तो जो 92 के ऑपरेशन में एक एक पुलिस मारा गया आपने उसको क्या दिया, उनकी बेवा को क्यों मिले, पुलिस वाले क्यों करे, जो पुलिस वाले ने किया उनको क्या मिला? अब ये पुलिस ये बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि मैं क्यों करूँ, मुझे पता है मैं नहीं काटूंगा, मैं किसी तंजीम के खिलाफ एफआईआर नहीं काटूंगा, मुझे तुम क्या ट्रांसफर करोगे कर दो, लेकिन मैं नहीं काटूंगा, लेकिन जुर्म हो रहा है, कत्ल हो रहा है, उनको पता है वो नहीं कर रहा है। एक मेरे आपको कैसे बताऊँ बल्दिया का, कि एक बंदे के एक बेटे को मारा, दूसरे बेटे ने गवाही दी,
और 6 महीने में दूसरे बेटे को मारा। फिर वो बंदा गवाही देने को तैयार नहीं है, बोला भाई मेरा तीसरा बेटा भी है। तो जब तुमने लोगों को गवाहों की पोजीशन की, पुलिस का तुमने पहले कर चुका है, फिर तुम क्या सोचे आपकी, वो मुझे आप बता दो। मेरी बात गलत मुझे आप बताओ, मुझे छोड़ो, आप इंकर बैठ जाओ, सारे जो जितने टीवी वाले अच्छे अच्छे माशाल्लाह आपकी तरह लेके पड़े, वो एक फार्मूला ले लो। अगर वो फार्मूला इस मुल्क के लिए और इस्लाम के लिए सही होगा, मुझे कबूल है। अगर फार्मूला ये हो कि नस्ल के नाम पे सियासत जो है वो बनाए, मैं मना कर दूंगा। आपके एमकेएम की सियासत और पीपल्स पार्टी की सियासत, बिलखसूस कराची में, कराची की ही अगर सियासत की बात करें, इसकी वजह से आम लोगों के दिलों में नफरतें नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती है, वही मैंने तो नहीं किया। एमकेएम किसने बनाया था, माजर को इमाम किसने बनाया था, लेकिन उसको क्यों नहीं रोका?